मैंने पावर लिफ्टिंग खेला है जिसमें मैंने सिल्वर और गोल्ड मेडल लगाया, और एक खेला है मैंने बॉडी बिल्डिंग जिसमें ब्रॉन्ज मेडल लगाया। बॉडी बिल्डिंग का भी काफ़ी शौक रहा है मेरा और अभी भी है, मैं खेलता रहता हूँ बॉडी बिल्डिंग, और ऑफ सीजन होती है ना तब मैं बॉडी बिल्डिंग ही खेलता हूँ। उसके अलावा मैंने अभी रग्बी टीम ज्वाइन करी है जो PCI से वेरीफाइड है, जो कि डायरेक्ट अगर मेडल लगाता हूँ तो डायरेक्ट मुझे जॉब देगी। PCI से वेरीफाइड है, वो भी अच्छा गेम है, व्हील चेयर रग्बी गेम है, बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम मैं अभी पुणे खेल के आया था, 6th रैंक रही है हमारी टीम को और बड़ी खुशी हुई। राजस्थान का नाम वहाँ पे सुना, और थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड वीक है तो सब काम मेरे को ही देखना पड़ता है घर का। मेरा पढ़ाई भी जारी है, मैं गवर्नमेंट जॉब की भी अभी तैयारी कर रहा हूँ, और अच्छा मेरे को लग रहा है अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं भी लगाना तो मैं गेम्स में कैरियर बनाऊंगा। वेटलिफ्टिंग में सबसे जरूरी क्या होता है? आपके पैर। अब सोचो जिस शख्स के पास वो हो ही ना और फिर भी वो वेट लिफ्टिंग करता हो, है ना चौंकाने वाली बात। झुंझुनू के रहने वाले सचिन कुमार की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है। उन्होंने एक ट्रेन हादसे में अपने दोनों पैर खो दिए, लेकिन हार नहीं मानी। उन्होंने जिम ज्वाइन किया, इसके बाद कई बॉडी बिल्डिंग कम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया। स्टेट लेवल पर पैरा पावर लिफ्टिंग में 100 किलो का वेट उठाकर सिल्वर मेडल जीता। यही नहीं, 2023 में 110 किलो वेट उठाकर गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया। आज सचिन जाने माने बॉडी बिल्डर और वेट लिफ्टर हैं। सोशल मीडिया पर उनकी कमाल की फैन फॉलोइंग है। मेरा नाम सचिन वर्मा है, मैं यहीं चिड़ाव से रहने वाला हूँ, और मेरा 16 अगस्त 2018 को मेरा ट्रेन हादसा हुआ था। मैं एग्जाम देने के लिए जा रहा था रेलवे लोको पायलट का, तो जब मैं ट्रेन में चढ़ रहा था तो मेरा पैर स्लिप हुआ और मैं ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में आ गया, जिससे यह हादसा हो गया। इलाज टाइम पे नहीं मिला तो ये बड़ा हादसा हो गया और इन्फेक्शन फैल गया था। उसके बाद मैंने मतलब कि बेड रेस्ट चला मेरा, डॉक्टरों ने भी ये बोला कि इसको मतलब एक बार बेड रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। माइंड में बस एक ही चीज़ आ रही थी, यार भगवान ने क्यों छोड़ा अपने को, हम मतलब कि लाइफ ख़त्म हो गई है। मैंने यही सोच लिया था कि कुछ नहीं बचा, अब तो मर जाए तो अच्छा है, बस मेरे पास यही ऑप्शन था। मैंने ये जिम का बाद में स्टार्ट किया, मैं क्या है कि लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन से पहले मैं मतलब कि एक्सीडेंट होने के बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। एक ही सपना था गवर्नमेंट जॉब करूँ, लेकिन फिर लॉकडाउन होने के बाद ये चेंज हो गया और मैंने थोड़ा नॉर्मल ही वर्कआउट स्टार्ट किया, मोटा हो रहा था थोड़ा। तो फिर मैंने धीरे धीरे देखा यार गेम की लाइन में भी बहुत लोग अच्छा कर रहे हैं, तो मैंने भी सोचा कि यार अपने इंडिया का नाम, भारत का नाम रोशन होगा तो कुछ अलग करते हैं, यूनिक करेंगे तो लोग पहचानेंगे और मुझसे मोटिवेट होके। ऐसे लोग हैं जो डिमोटिवेट बहुत होते हैं, तो मैंने यही सोच लिया कि मैं ये चाहता हूँ कि मुझसे 10 लोग भी अगर मोटिवेट होना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है वो। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया गेम खेलना। मैंने सबसे पहले स्टेट का खेला था जिसमें मेरा सिल्वर मेडल लगा था पावर लिफ्टिंग में, 100 kg बेंच लगाई थी मैंने। उसके बाद मैंने सेकंड बार में मैंने खेला तो 110 केजी में गोल्ड मेडल लगाया था 2023 में फरवरी में। उसके बाद मेरी मार्च में नेशनल चैम्पियनशिप हुई तो उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया। सर ये मैं मेरा इंस्टाग्राम चैनल है जिसपे अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, लोग जुड़े हुए हैं और वो मेरे से बस मोटिवेट होने के लिए जुड़े हैं वहाँ पे, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे जब लोग मेरे से मोटिवेट होते हैं और सामने से मैसेज करके बोलते हैं कि सर मैंने आपकी वजह से मैंने ये चेंज किया है, तो मेरे को बहुत खुशी होती है। तो वहाँ से मेरा पेड़ प्रमोशन होना या फिर मान के चलो प्रोटीन सप्लीमेंट की कंपनियाँ जुड़ी हुई हैं, ऐड प्रमोशन के लिए करता हूँ मैं, तो वो मेरे को पे करती है और उससे मेरा डाइट का खर्चा चलना और करना वो मैं उसी से कर रहा हूँ। कौन से गेम में आपने पार्टिसिपेट किया है? झुंझुनू से रविंद्र कुमार की रिपोर्ट।